ना मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम। मरियम, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो यस लिखो। मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आशीष फूड डायरी, थैंक यू फॉर कमिंग। ये मेरी फर्स्ट लाइव चैट है। मैं ठीक हूँ अभी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ओके, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट टाइम है, तो मैं देख रही थी कि जो मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा। और मरीम, आपने ऑलरेडी सहरी बना ली है या बना रही हैं? थैंक यू मरीम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू नादिया सलीम फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा ज़ारा, अभी आप ज़ारा ज़ल्टरवर्ल्ड मेरी कज़न है मरियम, उसने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान से। तो मैं आपको बता दूं कि उसने भी सैरी स्टार्ट करनी है। और रिजवाना मेरी सिस्टर है, जिसने मुझे ज्वाइन किया है, क्योंकि मैंने आज ये लाइव किया है कि अपनी फैमिली के साथ लाइव करके देखूं कि कैसा काम करता है। तो फिर चले इंशाल्लाह आगे से ये है कि सबको कोशिश करूँ कि ज्वाइन करें। रिजवाना को बहुत भूख लग रही है, अभी थोड़ा टाइम रह गया। रिजवाना वेट कर लें। थैंक यू आशीष फूड डायरी के आप रिटर्न करेंगी जब आप लाइव होंगी, तो या तो मुझे आप मैसेज कर दें, नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन ऑन होता है, मैं इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करूँगी। मरियम, मैं लेट आई क्योंकि मैं सेटिंग कर रही थी, और रिजवाना भी लेट आई है, तो इसलिए फिर लेट ज्वाइन किया। और मरियम सुनाओ, कैसे हैं सब? उधर बच्चे ठीक हैं? पप्पो कैसी हैं? और नादिया, तुम कहाँ गायब हो गई हो?
थैंक यू नादिया, डोंट बी शाय. थैंक यू रिजवाना, थैंक यू मरियम. आप लोगों का इनक्रेजमेंट करके कर रही हूँ, इनक्रेज के करो. और रिजवाना को तो पता ही है कि अभी सिचुएशन क्या है, कैसे मैं कर रही हूँ ये. ओके नादिया, जैन को तो भेज दो ताकि वो मेरी लाइव चैट में आ जाता, उसके बाद आवाज़ भी आ जाती बीच में. नादिया क्या बना रही हो सालन में? हाँ, अलीज़ा के साथ शाउट करना चाहिए, उसको बिठा दूँ लाइव चैट में तो फिर तो मज़ा ही आ जाए, किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है. मरीम जैनी सो रही है, उसको बोलो वो भी ज्वाइन कर ले अगर कर सकती है तो. वाह जी वाह, तो पप्पो भी सुन रही हैं. वालेकुम अस्सलाम. मरीम, अगर लाइव चैट करना हो तो तुम लोगों के लिए उधर पाकिस्तान में कौन सा टाइम सही है अभी रमज़ान में, एक हफ़्ता जो रह गया है, ताकि मैं वो टाइम सेट कर लूँ. जाना तुमको अच्छी विश कर सकती थी. ओके, मुर्तजा लेट सोया है. हाँ, उसको ऐड कर देती. बच्चे तो जो सबके हैं वो सभी ऐड हो जाते. थैंक यू मेहरीन आबिद फॉर ज्वाइनिंग. वालेकुम अस्सलाम. और नादिया अब चने सालन बना रही है. ओके, यस आई नो यू रिजवाना, वी ऑलवेज विश. और मेहरीन आबिद थैंक यू, आपको ज्वाइन किया आपने. आपके रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा तो यहाँ से भी सबको पता ही है कि किडनी स्टोन का मसला चल रहा था. अच्छा, मिस्टर मिसेस कैसे हैं? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मुझे किडनी स्टोन का मसला था मोस्टली. मैं यहाँ से सबको जिन्होंने ग्रुप ने ज्वाइन किया मुझे कि अभी मैं रमज़ान में रोज़े नहीं रख पा रही, दो रोज़े रखे थे, लेकिन शुक्र है कि अभी थोड़ा बेहतर है, दर्द बेहतर है, लेकिन किडनी स्टोन का मसला स्टिल वहीं पे ही है. तो दुआ करें कि वो ख़त्म हो जाए ताकि मेरी लाइफ आगे ईजी हो बच्चों के साथ और घर के काम जो है वो नॉर्मल रूटीन पर आएँ. इसलिए यू नीड टू शेयर. हाउ? ओके नादिया, मैं शेयर कर लूँगी आपके साथ कि कैसे बनाएं. कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर लूँ, क्योंकि मैं आजकल भी अपलोड भी नहीं कर रही कोई भी वीडियो अपने पेन की वजह से और घर की वजह से. तो इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं आज एक वीडियो अपलोड कर लूँ.
अल्लाह आपको सेहत दे, मुझे भी बहुत इशू रहा इसका। हाँ जी, ये बहुत बड़ा इशू है, मैं कहती हूँ कि हम लोगों के लिए जब भी किडनी स्टोन, मुझे ये चौथी दफ़ा हुआ है, तो दुआ करती हूँ कि आगे ना हो। लेकिन जो मसला मेन है उसका जब तक हल नहीं होगा पैराथायराइड का, तब तक मुझे ये होते रहेंगे जो डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि उसकी टेक केयर करूँ पहले, तक ताकि मुझे आगे ना हो। आमीन। शाहना दस्तगीर, हेलो हेलो शाहना, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज ये मेरी फर्स्ट चैट है, अगर किसी को कोई भी सवाल पूछना है मुझसे तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसको लाइव कर सकूं, बोल सकूं। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने किस मौजू पे बात करनी है। नेक्स्ट टाइम मैं देखती हूँ कि अगर कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर बात करें तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा मेरे ख्याल से, या अगर कोई क्वेश्चन आंसर दें तो वो कर दें। इधर के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ, या इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछें। अल्लाह सेहत दे आपको। आमीन। थैंक यू मरियम, गेट वेल सोन। बस दुआ करो यार कि ये ख़त्म हो गई, मुझे सर्जरी ना ही करानी पड़े। एक दफ़ा तो सर्जरी से निकल आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये ख़त्म हो तो फिर ना ही जाना पड़े दोबारा सर्जरी में। सुमेरा लियाकत, हेलो हेलो जी, वेलकम टू माय फर्स्ट लाइव चैट। शाना दस्तगीर, आपका कौन सा है, क्या नाम है आपके इस चैनल का, मुझे नहीं याद आ रहा आपकी पिक्चर देख के। और सुमेरा लियाकत, आपका भी नहीं मुझे याद आ रहा। अभी पाकिस्तान में तो मोस्टली सबकी सहरी का टाइम है, तो रोज़ा रखना होगा, सबने सहरी बनानी होगी। लेकिन फिर भी थैंक यू कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। मुझे बार बार म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा बेटा जो आज बार बार आके चेक कर रहा है कि मामा कैसी जा रही है लाइव चैट में। रायान, ओह अच्छा, शाहना ठीक है, ऐसी नेम से ठीक है, ज्वाइन किया आपने, थैंक यू। जी रिजवाना, छुरी के नीचे से मुर्गी जो वो भागी है, आपको तो ज़्यादा बेहतर पता है, साथ ही थी। सर्जरी कैन सर्वाइव बिफोर एनेस्थीसिया, बिल्कुल यही बात है। मैंने दो शुक्राने के नफल माने थे कि मेरी सर्जरी ना हो, तो वही हुआ शुक्र अल्लाह का। लेकिन जब तक स्टोन निकलेगा नहीं तब तक तो जो है वो मुश्किल ही है। जी जाना, रोज़ा खोलिए या नहीं खोला अभी तक। जी नादिया, रायान को तो बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, अपनी टूटी फूटी उर्दू जो बोलेगा बीच में तो सबको ऐसा आएगा, उसको ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं वाकई लाइव हूँ और बोल रही हूँ, पता ही है कैसे वो करता है एक्ट।
वेरी बैड रिजवाना आपके लिए, बैड लक। मेरी नाबिद, आपकी रोज़े कैसे चल रहे हैं? अच्छा, आपने लिखा है दर्जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, सही है। मेरी नाम ने कभी लाइव किया है? मरियम जैनी कहाँ है? सोइए, उसको बोलो उठो और मेरे साथ चैट करो, रोज़ा रखना है वैसे भी। शाहाना, आप किधर से हैं? पाकिस्तान से हैं? रिजवाना, आई थिंक सो यू शुड अपलोड अ वीडियो एक्सपीरियंस अबाउट किडनी स्टोन। जी रिजवाना, मैं सोच रही थी कि ये करूँ, लेकिन देखती हूँ कि रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मैं ज़रूर ये करूँगी कि किडनी स्टोन की स्टेजेस क्या हैं, कैसे स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ। मेरे पास इसका काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि मुझे ये चौथी दफ़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं ये अपलोड करूँ वीडियो को, इसके बारे में बनाऊँ और बताऊँ सबको कि इसका रीज़न क्या है, पीछे क्यों होते हैं और कैसे जो है इनको अवॉइड किया जा सकता है। तो थैंक यू कि आपने मुझे हिंट दी कि मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए। मरियम, किधर गायब हो गई हो? ज़ारा'ज़ लिटिल वर्ल्ड, बच्चे उठ गए होंगे यकीनन, कोई ना कोई। नादिया, मैंने उस्मान को बोला था कि मुझे कैमरा भेज दे, लेकिन उसे नहीं भेजा, लगता भूल गया है। अरे मरियम जी, क्या हुआ? हाँ वाकई, पता नहीं मरियम कहाँ गायब हो गई है। कह तो रही थी कि फूफो भी आवाज़ सुन रही हैं, बातें सुन रही हैं मेरी।
Nadia Salim, yes, or you can share tips on motherhood, how to manage work and taking care of kids as you have experience. जी नादिया, आपको पता है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है इस बारे में. थैंक यू फॉर टिप कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो बनाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया बीच में, सबसे पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, फिर इतना लंबा हो गया, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, फिर किडनी पेन ज़्यादा हो रहा है अब आजकल. तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊँगी. वैसे इट्स गुड प्लेस टू मेक न्यू फ्रेंड्स. जी रिजवाना, इट इज़ अ गुड प्लेस. जैनी मलिक ने ज्वाइन किया, हेलो बाजी, वेलकम योर फर्स्ट लाइव ऑन यूट्यूब, होप यू आर डूइंग गुड. जी जैनी, थैंक यू फॉर आस्किंग. वैसे तो आपको जहमत नहीं होती क्या मुझे फ़ोन करके पूछ लें कि क्या हाल है, कौन सी दुनिया में हूँ, बस लूडो खेलने आ जाती हो. लेकिन थैंक यू किधर भी आप आई हो, अभी जाग रही हो तो आ गई हो. मैंने उसको मरीम को बोला कि उसको जगाओ और बोलो कि आई लाइव. और तुम सुनाओ कैसी जा रही हो, कैसे जा रहे हैं रोज़े तुम्हारे. जोना करसोर में बी टू बी फाइंड ऑल लॉस्ट फ्रेंड्स. जी अगर मिल जाए कोई है यूट्यूब पे तो फिर आपको पुरानी दोस्ती भी मिल जाती हैं. जोना करसोर, जैनी भाई आए हैं, जैनी भाई आए हैं, जैनी भी आई है. ओके जी, वेलकम वेलकम जैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी रिजवाना, लूडो खेलना भी किसी किसी का काम है, आपका तो बिल्कुल भी नहीं, आपने कभी ज्वाइन नहीं किया लूडो खेलने के लिए. और इस चैट में कौन है जो लूडो खेलता है बताएं. जैनी मलिक, और लूडो में तो जीतना होता है. फूफो आस्किंग, चरंगलियाँ तो मिस नहीं कर रही मेरे हाथ की. जी बिल्कुल, बहुत मिस करती हूँ फूफो जी आपके हाथ की चरंगलियाँ, इधर नहीं मिलती. इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल या उससे अगले साल पाकिस्तान चक्कर लगाने का, तो फिर हम चरंगलियाँ खाएंगे आपके हाथ की. रजाना को सर, यस निकम्मे काम. जी नहीं, लूडो खेलना निकम्मे काम नहीं है, अच्छा काम है अगर आपके पास टाइम हो तो, दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए लूडो खेलना अच्छा काम है, निकम्मे काम नहीं है. मिस अवान सलाम जी, वेलकम जी मिस अवान आपका. मिस अवान ये मरियम है या बाजी तहरीम है, कौन है? मी टू पुपो जी. जी मिस अवान, आपने किसका चेहरा देखना है? मिस अवान है कौन, है मरियम है या बाजी तहरीम है? और कब आएंगी आप पाकिस्तान बट विद किड्स? जी इंशाल्लाह प्रोग्राम तो है, दुआ करें कि हालात बेहतर हों तो नेक्स्ट ईयर का है. और जी बच्चों के साथ ही आना है इंशाल्लाह, तीनों बच्चों को लेके आऊँगी मैं. मिस सवान ये नहीं बताना. अच्छा मेरा आप कह रही हैं कि चेहरा दिखाओ और अपना ये भी नहीं बताना कि कौन है, ये तो फेयर नहीं है. रिजाना कौसर, पप्पू को भी उनके ब्रदर की तरह फ़ोन पकड़ा दो. हाँ लाजमी कर सकते हैं ये भी. ज़ारा लेटर बाजी तैयारी, मैंने देखा ना सही पहचाना है. मिस सवान आपका चेहरा जी, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, फिक्र नहीं करें. यहाँ पे इधर आ जाएं या मैं उधर चली जाऊँ, फिर चेहरा देख सकते हैं एक दूसरे का. मिस अवान आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अभी तो आप सहरी बना रही होंगी. जी रिजवाना, आपका बकरू बच्चा भी जाएगा साथ आपको लेके, ताकि कान कम खाए मेरे.
रास्ते में। भाई तरीम, आपको किसने बताया कि मैं लाइव हूँ अभी? मरीम ने मैसेज किया होगा लाजमी। नादिया सलीम, व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन ईद? गुड क्वेश्चन नादिया। जब हम नाश्ता करने आओगे ना मेरे घर तो देख लेना मैंने कौन से कपड़े पहने हैं। नहीं, मेरे नए कपड़े मैंने बहुत पहले मंगवाए थे पाकिस्तान से, वही पहनूंगी। अभी नहीं मंगवाए, पता ही है तुम्हें कि हालात क्या हैं आजकल। गॉड नी क्लोज दिस टाइम। नहीं है नहीं कपड़े, लेकिन पहले मंगवा लिए थे मैंने। जाना कौशल कोरोना की ढोलकी रखो, ये कोरोना की ढोलकी रखो ये पहुंच जाएगी। वाह 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 रिजवाना, आपका तो जो जवाब है ना बहुत ही अच्छा होता है। मैं हर ढोलकी पे पहुंचने वाली नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उस्मान आजम, हेलो भाई जी, ये कौन है उस्मान आजम? थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। लेकिन भाई नहीं है मैं सवान, और आपने कैसे मान लिया कि मैं बाजी तरीम ही हूँ? और आपको कैसे पता कि हमने बोला कि बाजी तरीम है? रिसाना चुप करके बैठो, तेरी उर्दू रीडिंग स्किल तुम इंग्लिश में लिख लो ना। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग उस्मान आजम, हेलो मैम साहिब। आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। आपका कोई चैनल है या चैनल ग्रुप से हैं आप, या किस किस से हैं आपका? क्योंकि मोस्टली तो ये लेडीज़ ही चैट होती है। इट्स ओके अगर आपने ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं। Do you have an English accent while speaking? क्या मतलब है? मैं उर्दू बोलती हूँ तो इंग्लिश एक्सेंट है? मेरे ख्याल से तो मैं नॉर्मल उर्दू बात कर रही हूँ, कोई इंग्लिश एक्सेंट तो नहीं है उसमें। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मिस सवाना, आपने कंफर्म नहीं किया आप कौन हैं? भाई नो इंग्लिश, इंग्लिश ही है तो मैं कौन सा इंग्लिश में बात कर रही हूँ? उर्दू में कर लो, पंजाबी में कर लो, नहीं कर रही इंग्लिश में बात। नहीं तो मैं पटवारी बोल दूंगी, जो तुमने मुझे वीडियो बोली थी ना कतरोना वाली।
जैनी किधर गायब हो गई हो? तो मुझे लगता है दो दो तीन तीन रोजे रखने हैं जो खाना खाने शुरू हो गई हो। सोना कौशल में सवाल, मैं आपकी अभी आपकी आईडी रन करूं चाचू को कॉल करके? हाँ करना चाहिए वैसे, बल्कि इनके सेल फोन पर डायरेक्ट कॉल करके करना चाहिए, खुद ही पता चल जाएगा। ये इट वॉज सच अ फनी वीडियो। जी बिल्कुल, बहुत फनी थी। मुझे याद नहीं आ कि मैं भाई नीमा को दिखाती, क्योंकि उनकी जो बहू है वो मीरपुर से है और उसकी बोली इसी तरह ही है जैसे उस वीडियो में थी। जिनको पता नहीं हम लोग ये वीडियो की बात कर रहे हैं, रिजाना को किसी ने भेजी थी, उसने फिर मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी। तो उसमें एक औरत जो है उसका हस्बैंड सऊदीया में होता है, तो वो उसका हाल चाल पूछ रही होती है कि क्या हाल है उसका कोरोना वायरस की वजह से। तो जो बोली वो बोलती है पोठोहारी में, यहाँ से या पहाड़ी, मुझे कन्फर्म नहीं है कौन सी है, लेकिन बहुत फनी थी वीडियो वो ना। और फाइनली कोई ग्रुप से आया है मेरे, ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज। हेलो जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? आपने मुझे अभी ज्वाइन किया तो आपको बता दूं कि ये मेरा फर्स्ट लाइव है, लाइव चैट। तो इसमें मेरे तीन चार फैमिली मेम्बर्स हैं और एक दो बीच में से दूसरे लोग भी हैं। तो थैंक यू आपने ज्वाइन किया है। रिजवाना को सर मे बी स्टार्ट हिमसेल्फ डिस्कस इज मिस, हो भी सकता है, कोई पता नहीं उनका। जैसे मैंने उनको एक दफ़ा मैसेज किया था उसामा का नंबर समझ के, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मेरा ये व्हाट्सएप का है। ग्रो एंड ग्रो रेमेडीज माई ग्रो, मैं ठीक हो गया, मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी बेहतर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं, मुझे किडनी स्टोन का मसला जो था वो काफ़ी देर से चल रहा है, अभी 1 माह हो गया तकरीबन। जो बैड थिंग है सबसे बुरी ये कि मेरा रोज़े नहीं रख पा रही, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है मेरा, कि ये मेरा रमज़ान बहुत ही बुरा गुजरा है कि मैंने सिर्फ 2 रोज़े रखे हैं पहले, उसके बाद कोई रोज़ा नहीं रखा। पर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि नीयत आपकी कैसी है। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू की नहीं, थैंक यू तो है कि मेरे फर्स्ट लाइव है तो आप आई हैं, थैंक यू फॉर दैट। और आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? लो अल्लाह पाक आपको सेहत दे बस इस महीने। जी बिल्कुल, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इस महीने के सदके जो है ये इसे निजात दे और ख़त्म हो ये। आई नीड ग्लोइंग रेमेडीज बट नो ग्रोइंग रेमेडीज एज आई एम ग्रोन वेट कुछ। हाँ रिजाना, तुम तो जो है ना बस वेट करो कि जब तक ये कोरोना वायरस ख़त्म होता है और जिम खुलते हैं तो वापस जिम को ज्वाइन करो। ओके नादिया सलीम के बजे आफ्टर गो नीड टू पिकअप गुलाब, आई एड ऑर्डर सी यू लेटर। ओके नादिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर तुम रह सकती 20 मिनट तो ठीक था, क्योंकि ऑलरेडी 40 मिनट्स हो गए मेरा ये लाइव 1 घंटे के लिए था। तो चलो ठीक है, अगर आपने जाना है तो सही है, नहीं तो इसको ऑन छोड़ दो, बात नहीं करो। अगर आपने कॉल नहीं करनी तो फ़ोन से कर रही हूँ मैं यहाँ से अब भी, पर इफ़ यू हैव टू गो दैट्स फाइन, इट्स ओके। जैन इज टेकिंग आउट ऑल द डिशेज फ्रॉम द डिश वॉशर एंड थ्रोइंग ऑन द फ्लोर, स्टैंडिंग ऑन द डिश वॉशर। इट्स ओके नादिया, ठीक है तुम जाओ, सही है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है।
जी रोजाना ने लिखा है पतले होने की टिप्स की वीडियो बहुत लाजमी हुई अपलोड करना करें प्लीज। अच्छा ये रोजाना तो मुझे कह रही हो या ग्रो एंड ग्लो को कह रही हो? अच्छा उन्हीं को कह रही हो। रोजाना कौशल इज अबाउट ग्रो हेयर। ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज आपका नाम क्या? अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं आपको आपके चैनल के नाम से बुला रही हूँ तो नाम लिखते तो इजी हो जाएगा। रिजवाना कौशल क्या याद करा दिया? जी रिजवाना आपके बाल और मेरे बाल तो अल्लाह ही हाफिज़ हैं, दोनों को बहुत ज़रूरत है रेमेडीज़ की। सैरी चल रही है अभी पाकिस्तान में। अच्छा जी ज़ारा लिटिल वर्ल्ड खूब सारे पराठे बनाओ, यहाँ फूफो पराठे बना रही हैं। रिजवाना कौशल कभी हमारे भी शानदार हेयर थे, शानदार इससे पहले कि रिजवाना मेरी उर्दू के जो है वो पकड़े। मोमल ओके इजी रहेगा बोलने के लिए। जी रिजवाना मैं इंशाल्लाह वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी जो बात करी थी आपके वेट लॉस के लिए, तो पता ही है तुम्हें कि मैंने जो वेट लॉस किया था लास्ट ईयर अब दोबारा वापस ओवर कर दिया है, बहुत सारी वजह हैं उसकी। तो इंशाल्लाह मैं कीटो डाइट पे जो मैंने स्टार्ट की थी उस पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये थोड़ा जो है लॉकडाउन ख़त्म हो तो फिर कहीं बाहर निकले तो फिर करेंगे। हाँ ज़रूर रिजवाना मैं ज़रूर लगाऊंगी एज आई हैव ज़ीरो फिगर। जी मोमल इसको बहुत ज़रूरत है वैसे वेट लॉस करने की मेरे समेत, सॉरी वेट लॉस के नहीं बालों की, आप बालों की रेमेडीज की बात कर रही हैं, सॉरी। ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज। अच्छा मोमल आप कहती हैं कि यार मुझे लाइफ का सीन बताएं। क्या सीन बताएं, मेरी तो अपनी ये पहली दफ़ा, मैं आपको क्या बताऊं? बस हिम्मत करनी है इसमें, यह है कि आपने करनी है। अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आप पूछ रही हैं कि सिस्टम वाइज आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर मेरे हाथ से व्हाट्सएप पे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ चैट की है उस पर आप आके मुझसे पूछ सकती हैं, दो तो मेरा नहीं हल कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सिस्टम वाइज या कैसे करना है क्या करना है वो पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लें तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है गाइड करने में। और अगर आपको हिम्मत चाहिए तो वो अब आपको देख लें कि मैं खुद कर रही हूँ पहली दफ़ा, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि मैं कर रही हूँ। हाँ मतलब कि फ़ायदा होगा जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने सुना है ग्रुप के लोगों में से सबसे वो ये कह रहे हैं और पढ़ा भी है या किए रिसर्च की है, तो आपको फ़ायदा होता है लाइव चैट का कि जितने लोग आपको देख रहे हैं उतना, और जितना टाइम आपने किया है, अगर 3 लोग देख रहे हैं आपने घंटा 1 घंटा लाइव चैट की है तो उन 3 लोगों का 1 घंटा 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 यानी कि 3 घंटे आपको लाइव चैट का क्रेडिट मिलेगा वॉच टाइम के लिए। मतलब क्या फ़ायदा होगा, चले सही है ओके ठीक है सही है, आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा कर लूँगी। नादिया सलीम ओके डोंट वरी आई एम स्टिल हियर। थैंक यू नादिया यू आर द बेस्ट भाभी एज यू नो। ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज हिम्मत खुद ही करनी पड़ेगी, बिल्कुल हिम्मत खुद ही करनी पड़ेगी। मैं भी जब पहली दफ़ा मैंने यहाँ से आयशा चीमा का लाइव चैट ज्वाइन किया था तो मैंने किया था कि भाई पता नहीं कैसे होता है, क्यों कर रहे हैं ये लोग लाइव, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो मेन जब मैंने देखा कि ये तो लाइव चैट जो है आपको हेल्प करती है वॉशरूम के लिए तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना करूं। तो आज मैंने सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए सिर्फ अपनी 2 कज़न्स को और भाभी को और बहन को बताया था कि तुम लोग मुझे ज्वाइन करो, मैं देखूं कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो शुक्र है कि चल रहा है सही, ज़बरदस्त है तो मेरी उर्दू पढ़नी बहुत मुझे मुश्किल हो जाती है जब ऐसे लिखते हैं, तो सॉरी फॉर दैट एडवांस में। अभी मेरे 15 मिनट रह गए हैं लाइव चैट, 44 मिनट की ऑलरेडी हो गई है तो 15 मिनट और मैं रहूँगी, तो देखते हैं ये मेरी फर्स्ट लाइव जो है इसका मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो मैं इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी आपके साथ मोमिल।
यस इट्स गुड ट्राई, यस इट इज़। देखते हैं अब कल क्या क्रेडिट मिलता है इसका। कि मम्मी ने लिखा है, हाँ हो जाता है, बस फ्रिक्वेंटली बोलना पड़ता है। बोलने में मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं, अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो फिर ज़रूर जो है वो इजी हो जाता आपके लिए बोलना, कि आपने इस टॉपिक पे ही बोलना है, कोई एक ले लें टॉपिक। और अगर आपने सिर्फ जो आपको चैट्स आ रही हैं उनके साथ उन्हीं का जवाब देना है तो वो भी ईजी रहता है। मतलब मैंने जो तकरीबन 5-6 देखी हैं लाइव चैट में मैं आई हूँ, उसमें ये लोग कर रहे हैं कि कोई एक टॉपिक अगर ले लिया तो उसके ऊपर बोल रहे हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कर रहे हैं सब चैट में उसके वो जवाब दे रही हैं। ज़रूर ज़रूर ज़रा ज़रा वर्ड। आपका डाइट प्लान कैसा जा रहा है? अभी कुछ भी नहीं जा रहा मरियम, बहुत गंदा जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही अभी किडनी स्टोन की वजह से, और पहले यही था कि रमज़ान ख़त्म होगा तो मैं करूँगी, जब तक वो ठीक नहीं होता तो तब तक अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। कर सकती हूँ लेकिन बस लेज़ी हुई हूँ, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मैंने स्टार्ट करनी है, क्योंकि फिर पाकिस्तान भी आना तो फिर मुझे लाजमी पतला होकर आना पड़ेगा, इतनी मोटी मैं पाकिस्तान नहीं आ रही। मेरा भी प्लान है रोड बाय रोड। मुझे नहीं समझ आई जैनी मलिक, रोड बाय रोड क्या है? नाउ दिस स्लिम कीटो डाइट इज़ नॉट गुड, डू योर रिसर्च ऑन ऑल डाइट फर्स्ट बिफोर डूइंग इट। जी नादिया, मैं फुल कीटो डाइट नहीं करती, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो फैट जो है वो गुड फैट को कहते हैं के यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मैं वो नहीं करती। मैंने कीटो डाइट का सिर्फ एक वो रखा हुआ है कि आपने जो कार्ब्स लेने हैं वो कितने लेने हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, तो फिर आपका काफ़ी सारा वेट लूज़ होता है। तो मैं फुली कीटो नहीं करती, मैं मोर डिटेल इसमें जाऊँगी जब मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊँगी। एक पिज़्ज़ा होम मेड, हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही कीटो डाइट है ये रिजवाना, तुम वाकई यही करना कीटो डाइट। और सारे नूडल्स बना लो काफ़ी सारे, फिर तो डाइट फुल हो जाएगी तुम्हारी। रोड बाय रोड मतलब ट्रेंड हो गई है मेरी भी हेयर फॉल से। ओह अच्छा, ये तो हमारा फैमिली प्रॉब्लम है सबसे पहले। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पप्पू पे बाल गए हैं बाजी पे, तो तुम तो फिर उनकी बेटी हो, तो हो सकता है कि तुम्हें ज़्यादा जेनेटिकली असर हुआ हो उसका, जो ज़्यादा ये स्प्रे वगैरह और दूसरे कर्लिंग आयरन में तो यूज़ करती है वो कम यूज़ करो, सबसे बेस्ट यही है। और जैनी तुम्हारा कैसा जा रहा है ब्यूटिशियन का? आजकल तो ठप हुआ होगा क्योंकि रमज़ान था, तो ईद की वजह से तो खैर तुम्हें कोई ना कोई काम मिला होगा लाजमी। रोज़ाना को सजा नहीं है कट माई हेयर में गुस्सा, जी, आप गुस्से में बहुत सारे काम कर जाती हैं। आज मैं यहाँ से तुम्हें दे दूँ मैं दोनों बेटियों के बाल काटने के लिए, ईद के लिए ना तुम अच्छे काट लोगे। हाँ मरियम, बाकी कानों को हाथ लगाओ। अभी शुक्र करो उसने जो सही जो जहाँ पे कैंची रखी थी वो उस तरह नहीं बाल कटे, अगर उसका कट जाते तो फिर तुम देखती कि रिजवाना के हेयर स्टाइल कैसा होता। नादिया ने हेल्प की और पीछे से सही करके इसके बराबर किए थे। और अम्मी सवान तो लगता है गायब हो गई हैं, जब उनसे पूछा है कि वो कौन है। हॉलीवुड एंटरटेनमेंट कौन है? जैनी, हॉलीवुड एंटरटेनमेंट, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आपने मुझे ज्वाइन किया। जैनी मेरी कज़न है, ये पाकिस्तान में है, तो ये मेरा फर्स्ट लाइव है, आपको भी बता दूँ। तो इसमें मोस्टली जो 3-4 लोग हैं वो मेरी अपनी फैमिली के हैं,
क्योंकि मैंने ये टेस्ट करना था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, तो इसलिए मैंने उन लोगों को बुलाया था. बीच में मोमल हैं ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज़ की तरफ के चैनल जो है उनका. हॉलीवुड एंटरटेनमेंट आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, अगर आप मुझे बता दें माइंड ना करें तो. सना कौशल, यस मरीमा जस्ट डिड लाइक क्रेजी. जी बिल्कुल, क्रेजियों के बाल काटे थे. सारा लिटर गुड लक फॉर नेक्स्ट टाइम. जी थैंक यू मरियम. बस दुआ करो कि जो काम स्टार्ट किया ये चले आगे. ग्रो एंड ग्लो रेमेडीज. अच्छा यार मैं चलती हूँ, मम्मी बुला रही हैं मुझे. ओके ठीक है ठीक है. थैंक यू मामल, आपने ज्वाइन किया मुझे. थैंक यू और गुड लक आपके लिए भी. और आप मुझे मैसेज कर सकती हैं व्हाट्सएप पे, तो फिर इंशाल्लाह बात होगी. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ. ऑल द बेस्ट ईयर, सेम टू यू. थैंक यू. मरीम बस 8 मिनट रह गए हैं, तो अगर तुम 8 मिनट के लिए ठहर सकती हो तो थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि 52 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो 1 आवर के लिए है अगर कर सकती हो तो. नमाज का टाइम, नमाज पढ़ना मेरे लिए, दुआ करना. रिजवाना को से ग्रो एंड ग्लो, आई विल वॉच योर वीडियोज़ टू. थैंक यू रिजवाना फॉर वॉचिंग हर वीडियो. सादिया असलम, ओ जी बड़े बड़े लोग आए आज तो, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं बाजी. मेरे फॉलोअर्स आपके सामने हैं यूट्यूब पे. थैंक यू आपने अभी ज्वाइन किया सादिया. तो अभी आज मेरे से 280 समथिंग हुए हैं, अभी मैंने देखा नहीं है आज के कितने हुए हैं, अगर कल किसी ने ज्वाइन किया तो. नको सर लाफिज टू यू मोमल. ओके लाफिज एनी मलिक. चल पर आगे. अच्छा जी, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया मिस जैनी, कि आप सपोर्ट कर रही हैं मुझे. तो दिल तो बड़ा ही है, बस नए नए टॉपिक लेके वीडियो बनाए. इंशाल्लाह बनाऊंगी, बस ये थोड़ा किडनी स्टोन का मसला जान छोड़े तो तब. ऑलरेडी 3 वीडियोज़ जो है मुझे वो है कि उनको एडिट करके अपलोड करूँ, लेकिन नहीं हो पा रही. तो इंशाल्लाह करेंगे, लॉकडाउन ख़त्म हो फिर आपको अमरीका की सैर कराएँगे. सादिया असलम मेरा चैनल है. वो कौन सा चैनल है आपका सादिया असलम, कौन सा चैनल की बात कर रही हैं आप? मुझे ये पता है कि आपकी सिस्टर का चैनल है कोई कुकिंग का, मुझे रिजाना ने बताया था, लेकिन आपका कौन सा चैनल है ये नहीं मुझे पता. तो अगर आप मुझे भेज दें लिंक मेरे व्हाट्सएप पे, नंबर नहीं है तो रिजाना से ले लें. इधर मत भेजिएगा क्योंकि इधर नहीं आप भेज सकते अपने क्या नाम है चैनल के बारे में आप नहीं कर सकते. हॉलीवुड, ओ हॉलीवुड एंटरटेनमेंट आपका चैनल है. जहाँ तुम्हें पता है कि सादी असलम का जो चैनल है वो उसका नाम हॉलीवुड एंटरटेनमेंट है, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है. मेरे ख्याल से मैंने आपको किया हुआ है ज्वाइन. अच्छा हॉलीवुड एंटरटेनमेंट आपका है, मैं चेक करती हूँ कि मैंने ज्वाइन किया या नहीं किया. जी भी नहीं याद अब. Mm.
मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, चेक करके तो फिर मैं बता दूंगी रिजवाना को या आपको कि मैंने किया हो या नहीं किया हुआ। रिजवाना, आई सेंड यू हर लिंक वंस। हाँ मेरे ख्याल से तुमने सेंड किया लेकिन मुझे कंफर्म नहीं, क्योंकि तब मैंने एक चैनल जो मैं दूसरा अमेरिका का चैनल चला रही थी तब मुझे याद है, लेकिन अभी ये जो पाकिस्तानी व्लॉगर मैंने अपलोड किया है इसको, इसका नहीं मुझे याद। अच्छा सादिया, हम लोग इधर चैनल के बारे में बात नहीं कर सकते मोनेटाइज के बारे में, इवन अगर आप ये लिखोगे तो ये स्पैम में हो जाएगा आपका जो लाइव चैट है, इस ये स्पैम में चली जाती है। तो काइंडली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी बताना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर लें, ये रूल है इसका यूट्यूब लाइव चैट का। चार मिनट रह गए हैं, लाइव चैट खत्म हो जाएगी। थैंक यू सादिया असलम, आपने डिलीट कर दिया मैसेज। यू आर आस्किंग मी हर जब आप ओढ़ो जाओगी तो हु इज़ गोइंग टू टेक कफल, तब ये खुद बड़ी हो जाएंगी तब इनको क्या जरूरत पड़ेगी टेक केयर करने की, उसको बोला कि फिर वो टेक केयर करेंगी हमारी। सो नाउ अपलोड ब्यूटी टिप्स टू, हाँ मेरे ख्याल से वही करनी पड़ेगी मुझे फॉर यू। अच्छा करूँगी इंशाल्लाह। सबसे ज़्यादा जो टेकर करेगी वो तो अलीज़ा करेगी तुम्हारी। या लेट्स सी, वो फिर बालों को आगे पीछे करके बोलेगी कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं है हाला, क्या करूँ आंखों को फेर फेर के। नादिया जैन सो गए, शी इज लाफिंग, आई कैन इमेजिन दैट शी कैन लाफ। क्यों सादिया सर, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही तुम्हें? वैसे भी हर एक मिनट रह गया, मैं बंद करने लगी हूँ, कोई नहीं मसला, मजाक कर रही हूँ, तो कोई नहीं इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू फॉर कमिंग, सना को सर हाउस यूट्यूबर मरियम जी, ट्यूबर ये कौन है? असलम नहीं काम काज, वो तो पता है इस वक्त काम काज ही होंगे। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं भी बंद करती हूँ, वैसे भी आधा मिनट रह गया है। थैंक यू आपका आने का, ज्वाइन करने का, थैंक यू जैनी, थैंक यू मरियम, थैंक यू नादिया, थैंक यू मोमल फॉर ग्रो एंड ग्रो ग्लो रेमेडीज़, मुझे पता है वो तो ऑलरेडी जा चुकी हैं। थैंक यू मिस अवान जो कि आई थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं, अभी नहीं है लाइव, और ये भी नहीं बताया कि कंफर्म किया कि तो बार ट्यूबर फैमिली वट एवर। जवाना तुम्हारी जो बातें ना,
ऊपर से गुजरती है मेरे भी। बहरहाल थैंक यू सबका, जिन्होंने जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मेरी आवाज़ को सुना 1 घंटे के लिए, उन सबका, अपनी फैमिली फ्रेंड्स का और बाकी लोगों का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉक कब होगा, मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह करूँगी थोड़ी प्रिपरेशन के साथ, और उस टाइम में जब मोस्टली मुझे बाकी जो मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, अकाउंट है जिनका सबका, वो भी आए और फिर मैं उसको सही लाइव चैट कर सकूँ। जी रिजवाना, थैंक्स आपका फॉर इनवाइटिंग। चलो ठीक है जैनी और मरियम, खुदा हाफिज। थैंक यू नादिया। ओके एवरीबडी, अल्लाह हाफिज। लाइक रेडियो, अच्छा मैं रेडियो की तरह मेरी आवाज़ आती है। Zen can hear you and says, Papa. हाँ कह सकते हैं कि वो भी कहेगा पपो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।